So hello everybody, my name is Nakul Arora and I'll be the facilitator for the session today. I welcome you all to this evening that we are going to share that how a cooperative housing society must manage their account. The session is named Accounting for Cooperative Societies. Now before we start, hum ye shuru kare ki kya hum you know aaj hame kya samajhna hai, what is our target knowledge today. I think zyada important ye hai कि हम ये समझे कि ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों. देखिए मैं आई बिन टू द इंडस्ट्री फॉर अ रियली लॉन्ग टाइम नाउ एंड मेजरली वी नीड बिजनेस पर्सन टू फाइंड अकाउंटिंग ओनली फॉर द पर्पस ऑफ कंप्लायंस, ओनली फॉर द पर्पस टू प्रेजेंट इट टू द अथॉरिटीज और अदर डेजिग्नेटेड एरियाज. बट क्या अकाउंटिंग को हम सिर्फ इसी नजरिए से देखें कि वो एक कंप्लायंस है या देर इज मोर टू अकाउंटिंग. अगर हमारी अकाउंटिंग प्रॉपर नहीं है वो सबसे पहले तो नॉन कंप्लायंसेस होंगी जिसकी वजह से पेनल्टीज और बाकी प्रॉब्लम्स तो आती हैं. उसके बाद डिस्प्यूट्स भी हो सकती हैं, इंटरनली आपके अपने अंदर हो सकते हैं. जैसे हम कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी की बात करें तो मेंबर्स के अंदर, कमेटी के अंदर डिस्प्यूट हो सकते हैं, या एक्सटर्नली आपके बायर्स, सेलर्स, पार्टीज और अथॉरिटीज का किसी के साथ भी आपके डिस्प्यूट होने के चांसेस बहुत प्रबल होते हैं. तो यहां पर हमें समझना पड़ेगा कि प्लानिंग के लिए भी आपके पास ऑथेंटिक डेटा होना जरूरी है. अगर एक इन्फॉर्म डिसीजन लेना है तो हमारे पास एक इंफॉर्मेशन जो है वो तो ऑथेंटिक होनी चाहिए ना. वो ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन आपको सिर्फ अच्छी अकाउंटिंग से ही मिल सकती है. ठीक है, तो आप समझिए आगे हम आज अकाउंटिंग को डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे यहां से कि अकाउंटिंग और प्लस उससे रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट एक मैनेजमेंट को ध्यान रखने हैं, ये जिम्मेदारी क्या क्या है आपकी और कैसे अकाउंट्स को प्रेजेंट किया जाएगा, हम उसको पूरा डिटेल में लेंगे. लेट्स बिगिन विद द प्रेजेंटेशन नाउ. तो ये आपके सामने है अकाउंटिंग का पूरा प्रोसेस आ रहा है. देखिए समझिए इस चीज को. जो अकाउंटिंग का प्रोसेस है वो शुरू होता है, सबसे पहले होती है एक अकाउंटिंग, उस अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन के लिए बनाया जाता है एक अकाउंटिंग वाउचर. उस वाउचर को हम रिकॉर्ड करते हैं और फिर बनती है बुक्स ऑफ अकाउंट और फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. देखिए ये स्टैंडर्ड अकाउंटिंग प्रोसेस है, ये प्रोसेस हर तरह की अकाउंटिंग में सेम रहता है. यहां पे समझने की बात क्या है, अब इन्हें डिटेल में जब हम जाएंगे तो हम समझेंगे. बट यही प्रोसेस बहुत सिंसियरली समझें तो आपको कोई परेशानी रह नहीं जाएगी इस चीज में कि हमें यहाँ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी की जब बात करेंगे, इनकी अकाउंटिंग की बात करेंगे डिटेल में. ये नटशेल है कि बाहर से ये स्टेप्स फॉलो कीजिए और आपकी अकाउंटिंग प्रॉपर. देखिए ट्रांजैक्शन इंपैक्ट को जो रिकॉर्ड किया जाता है वो अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन बन जाती है. मान लीजिए एक जनरल एंट्री होती है जिसमें इक्वल अमाउंट्स डेबिट और क्रेडिट होते हैं एंड उसमें हमारे तीन नेचर के अकाउंट्स और अकाउंटिंग रूल्स एक्टिव हो जाते हैं. लेकिन क्या खास है कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में जब हम इन्हीं चीजों के बारे में बात करते हैं. कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी की अकाउंटिंग की जब हम बात करते हैं तब हम ये देखते हैं कि इसके अंदर एक बहुत ही महत्वपूर्ण बायलॉज का यूज होता है. और जो इसके बायलॉज होते हैं ना, होते वो कंपनी में भी है बट कंपनी के मामले में वो बायलॉज या उन्हें जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की परमिशन है वहां हम टेबल है और कुछ जनरली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स यूज करते हैं. पर जब हम एक सोसाइटी में आते हैं ना तो ये बायलॉज बहुत तरह से लिखे जाते हैं. हर सोसाइटी के साइज, उसके मेंबर्स का आपस में विश्वास कितना है, उस सोसाइटी की कितनी फैलावट है, कितना इम्पैक्ट है उसका नॉर्मल लोगों पर, आम जनता पे, या उसकी जो जैसे हाउसिंग का जो सोसाइटी होता है उसके लिए वो कितना क्रूशियल है, उससे उसके बायलॉज जो है वो चेंज होते रहते हैं. ठीक है, तो समझिए कि बायलॉज को फॉलो कैसे करना है वो बाद की बात है. पहले बायलॉज होते किस तरह से लिख के कैसे जाते हैं हम वो देख लेते हैं. मैं जो भी आपको अभी शेयर कर रहा हूँ ये एक ऑडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीजें चेक की जाती हैं वो अकाउंटिंग में इन चीजों पे गौर कर रहा है. तो बेसिकली हम जब एग्जाम देते हैं या कोई भी पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई इस पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं ना कि एग्जामिनर या जो हमारा टीचर है वो उस पढ़ाई को कैसे ले रहा है. ऐसे ही व्हेनेवर वी आर परफॉर्मिंग द एक्ट ऑफ अकाउंटिंग वी शुड ऑलवेज ट्राई एंड अंडरस्टैंड हाउ डज द ऑडिटर लुक एट द एक्शन दैट आई एम टेकिंग. नजर किसकी है, ऑडिटर की. तो ऑडिट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बायलॉज को
एक सोसाइटी के अंदर बायलॉज ही वो एक एक्स फैक्टर होता है जिसको बहुत ज्यादा चेक किया जाता है। कुछ इस तरह के दिखते हैं जो आपके हाउसिंग सोसाइटी के बायलॉज होते हैं। देखिए जैसे सैंपल बायलॉज हैं, जैसे कि रिपेयर एंड मेंटेनेंस फंड जो है उसका रेट फिक्स किया जाता है जनरल बॉडी मीटिंग पे, उसको हम रखते हैं कम से कम 0.75% पर एनम ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ ईच फ्लैट इनकर्ड ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग एंड सर्टिफाइड बाय द आर्किटेक्ट फॉर मीटिंग कॉम्पेंसेशन नॉर्मल रिकरिंग रिपेयर्स ऑफ द सोसाइटी बिल्डिंग्स और प्रॉपर्टी। ऐसे ही अब बात करते हैं कुछ बायलॉज इस तरह से बात करते हैं जो कि कंट्रोलिंग बायलॉज होते हैं, जैसे कि कैश जो है बहुत ही क्योंकि हाउसिंग सोसाइटी कहीं ना कहीं अकाउंटेबिलिटी ऑफ सोशल वेलफेयर कहीं ना कहीं सोसाइटी के लिए काम कर रही है और गवर्नमेंट की एक निगाह इस पे होती है, वो तो कैश में कुछ आड़ी टेढ़ी चीज ना हो उसके लिए इस तरह के बायलॉज जैसा ये सेकंड लिखा है मैं एज इट इज रीड करूंगा आपके आगे, दैट द सेक्रेटरी ऑफ द सोसाइटी और द पेड एम्प्लॉई ऑथराइज्ड बाय द कमिटी मे रिटेन इन हिज पर्सनल कस्टडी एट द क्लोज ऑफ एवरी डे अ सम नॉट एक्सीडिंग ₹5,000 फॉर पेटी एक्सपेंसेस इफ ड्यू टू अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस द कैश इन हैंड हैज एक्सीडेड द अबव लिमिट The cash shall be credited into the bank within the next 3 days by the secretary or any other person authorized by the committee. अब देखिए इस बात को समझ लीजिए। ये बायलॉ अगर मैंने पढ़ा या आप अकाउंटेंट हैं और आपने देखा कि ये बायलॉ कहीं ना कहीं लिखा हुआ है, जो कैश इन हैंड होता है उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कई तरीके से, देखिए कैश इन हैंड कितने तरह से आ सकता है, या तो कोई एक्सपेंस के लिए आपने किसी को कैश दिया होगा या कुछ रिटेंशन कैश आपने दिया होगा, कुछ रखा जाता है डे टू डे एक्सपेंस मीट करने के लिए या कुछ और रीजन से आपके पास कैश होता है। एक बहुत बड़ा रीजन सोसाइटी में हो सकता है कि कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन मेंबर्स का या कुछ पेमेंट है जो किसी सेक्रेटरी ने या कोई इंप्लॉय ने कलेक्ट कर ली थी ऑथराइज जो था कलेक्ट करने के लिए कैश, बट वो कैश अपने पास 3 दिन के अंदर अंदर उसे जमा कराना है अगर उसके पास 5,000 से ज्यादा कैश उसके पास है, इससे क्या है कैश पे कंट्रोल रहता है। ये कंट्रोल है इसके डालने का पर्पस जो है ना उसके लिए हम डिटेल में बायलॉज और उसके पीछे के लॉजिक्स पढ़ सकते हैं, बट एज एन अकाउंटेंट आप हमेशा देखिए कि सोसाइटी का कैश इन हैंड कितना है, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, वो कहाँ कहाँ पे कैश इन हैंड पड़ा है, और अगर आप रजिस्टर मेंटेन कर रहे हो तो रजिस्टर को चेक करो, नहीं तो एक्सेल शीट पे फॉर्मूला लगाओ कि हर पर्सन का कैश इन हैंड डेबिट क्रेडिट करके एंड ऑफ द डे कितना आया और वो जो 5,000 से ऊपर चला गया उस एम्प्लॉय को एक नोटिफिकेशन एक मैसेज के जरिए उसको एक इंटीमेशन पहुंचती है ये एडिशनल कैश है, और सेक्रेटरी सेक्रेटरी क्योंकि रिस्पॉन्सिबल है या फिर कमेटी का ऑथोराइज पर्सन रिस्पॉन्सिबल है उस तक ये मैसेज पहुंचाया जाए कि इतना एडिशनल पैसा जो है ना वो बैंक में जमा होना है। ऐसे ही अगर बायलॉ में लिखा है कि 1500 से ज्यादा कोई भी पेमेंट है तो वो क्रॉस चेक से होनी है, ये भी आपने ध्यान रखना है कि कोई पेमेंट मान लीजिए 1600 की भी है चाहे वो 1501 की भी है, अगर वो कैश से हुई तो क्यों हुई, बिकॉज बायलॉ में कहीं ना कहीं परमिशन है ही नहीं, बस अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन को वॉइड एब इनिशियो ही डिक्लेयर करेंगे एंड होने से पहले ही बता दें एज एन अकाउंटेंट, एक जिम्मेदार अकाउंटेंट कौन है तो समय पे सही इंफॉर्मेशन पहुंचा दे जिससे सही एक्शन लिया जा सके, ठीक है। अब ऐसे ही बैंक अकाउंट खोलने से रिलेटेड भी बायलॉ हो सकता है कि कैसा बैंक है जिसमें आप अकाउंट खोल सकते हैं, भाई देखिए नियरेस्ट स्टेट या डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल बैंक होना चाहिए, वो शेड्यूल्ड बैंक जिसके ए ऑडिट क्लास होनी चाहिए 3 कंसेक्यूटिव ईयर्स, नेशनलाइज जो जनरली स्पेसिफिक ऑर्डर में परमिटेड हो, एक्ट में जिस तरह लिखा हो, या सेक्रेटरी ट्रेजरर और चेयरमैन के साथ सारे के सारे डिस्चार्जेस जो है उनके पास सिग्नेचर्स चले जाएंगे। तो इस तरीके से आप बैंक अकाउंट और उसके ऑपरेशन के बारे में भी इन्हीं बायलॉज में लिखते हैं और आपको ये एज एन अकाउंटेंट इंश्योर करना है कि इन बायलॉज का पालन अच्छे तरीके से हो। आगे बढ़ते हैं, देखिए अब आइए अकाउंटिंग वाउचर्स पे, है क्या अकाउंटिंग वाउचर पहले देखिए अकाउंटिंग वाउचर आप समझिए कि एक कागज है, इस कागज के बेसिस पे अब एज ऑडिटर जब चेक कर रहा है तो वो क्या चेक करेगा, वो बेसिस कोई एंट्री है या कोई ट्रांजेक्शन है तो उसका बेसिस क्या है, ठीक है। बेसिकली वो डॉक्यूमेंट जो इंटरनल इंटेंट शो करे टू मेक अ पेमेंट टू एन एक्सटर्नल एंटिटी वेंडर और अ सर्विस प्रोवाइडर, दिस इज प्रोड्यूस्ड आफ्टर रिसीविंग अ वेंडर इनवॉइस एंड द इनवॉइस इज सक्सेसफुली मैच्ड टू अ परचेज ऑर्डर। ये तो टेक्निकल बात,
अगर मैं साधारण भाषा में बात करूं तो अगर पेमेंट्स हैं या आपने कोई एक्सपेंस करे हैं तो अकाउंटिंग वाउचर क्या होगा? आप एक साधारण अकाउंटेंट की तरह सोचिए, बिल्कुल गुड अकाउंटेंट वाली सोच से, वाउचर वो बिल होगा, वो इनवॉइस होगा जो हमें मिला है सामने वाली पार्टी से, दैट इज व्हाट इज एन अकाउंटिंग वाउचर। अभी बात करो कि अगर हमने कोई कलेक्शन करी है तो कोई डॉक्यूमेंट इशू करा होगा ना, जिसके बेस पे रिसीट काटी होगी, रिसीट बुक में से देख सकते हो, कमेटी की पेमेंट आई है तो उनको रिसीट्स दी होंगी, अगर कोई हमने कोई डिपॉजिट्स लिए हैं तो उसके अगेंस्ट में भी कोई कागज होगा जिसपे हमने डिपॉजिट लिए होंगे। दैट पेपर वर्क, दैट कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, एनी डॉक्यूमेंट ऑथोराइजिंग अ ट्रांजैक्शन और कंफर्मिंग टू इट। होता क्या है, बहुत सारी सोसाइटीज में हम ऑडिट करने जब जाते हैं तो वहां पे एक चीज मिलती है कि पूरी प्रॉपर अकाउंटिंग है, एंट्री सारी आपको बराबर मिलेंगी, बट कागज पूछो, वाउचर वाउचर तो नहीं है जी, वाउचर हमसे मिस हो गया या कुछ भी हो गया। ये वाउचर्स को सही से एक, देखिए वाउचर्स के बारे में मैं एक चीज बताऊंगा आपको बहुत सिंपल, चाहे आप उन्हें फ्लैग कीजिए, चाहे आप कोई डायरीज बनाइए, चाहे मल्टीपल फाइलिंग कीजिए, फाइल नंबर्स यूज कीजिए, कुछ भी कीजिए, अच्छी बात है। एक अच्छे अकाउंटेंट की वाउचिंग जो एक क्वालिटी होती है अकाउंटेंट की, वो आप तभी एक अच्छी वाउचिंग कर रहे हैं अगर आपको ट्रांजैक्शन दी जाए एंड विद इन द नेक्स्ट, आप उसके बाद टेक्निकल बात छोड़ दीजिए कि अगर वो रूम वाउचर रूम ही किसी दूसरी साइट पर है, अदरवाइज एक बार साइट पर पहुंचने के बाद, एक बार वाउचर रूम में पहुंचने के बाद, विद इन द नेक्स्ट 2 to 3 मिनट्स अगर आप वाउचर रिट्रीव नहीं कर पा रहे हो, दैट मीन्स यू आर फेलिंग एज एन अकाउंटेंट। आप एक अच्छे अकाउंटेंट की जो उसका उत्तरदायित्व है, जो उसकी अकाउंटेबिलिटी है, आप वो नहीं निभा पा रहे हो। दिस इज अ टेस्ट चेक, 2 से 3 मिनट में आप कोई भी वाउचर बता सकते हैं कि कहाँ पड़ा है। अब ये आपकी फाइलिंग और आपकी नंबरिंग प्लस आपके फ्लैग यूज, इस चीज की क्वालिटी यहाँ जज होनी चाहिए, ये दिखना चाहिए, दिस शुड रिफ्लेक्ट इन योर अकाउंटिंग। यही रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा तो आप वाउचर ही नहीं मिलेगा तो हम कैसे प्रूफ करोगे कौन सी ट्रांजेक्शन होगी? एक वाउचिंग फाइल जो आपकी है उसे हमेशा इतना पर्टिकुलर होना चाहिए कि आपको ट्रांजेक्शन बताई जाए और आप उसका वाउचर निकाल के सामने रख दीजिए। ठीक है, आते हैं किस किस तरह के हो सकते हैं। देखिए डेबिट या पेमेंट वाउचर हो सकते हैं, मैंने आपको बताया पेमेंट वाउचर के अगेंस्ट, लेकिन वाउचिंग कौन सी की जाएगी, जो बिल सामने से आता है। क्रेडिट वाउचर जो होते हैं वो रिसीट वाले, वो जो आपने वहां डिडक्ट की उसकी कॉपी आपके पास पड़ी होगी। नॉन कैश के ट्रांसफर वाउचर्स कौन से होते हैं, जहाँ कैश कुछ नहीं होता बट एक ट्रांसफर वाउचर हो सकता है, जैसे आपने हाउसिंग सोसाइटी है तो आपने एक बुकिंग अमाउंट लिए बिना, या आपने पूरा ट्रांसफर किया और क्रेडिटर खड़ा किया, वो सिर्फ एक ट्रांसफर है, वहां पे कोई कैश नहीं आया। सपोर्टिंग वाउचर ऐसा हो सकता है कि ट्रांजेक्शन हो रही है, उसके सपोर्ट में एक वाउचर लगा दिया गया। अब ये जो वाउचर्स हैं ये किस चीज के बेस पे, ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स के बेस पे। होता क्या है, मैंने आपको भी पीछे स्टेप सिखाए थे कि रिकॉर्डिंग होगी, उसके बाद बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनेंगी, फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देखो अब मैं एक हाउसिंग सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताता हूँ, हाउसिंग सोसाइटी क्या करती है, मकान दिखाती है, तो मकान पहले पूरा बना हुआ दिखाती है या जब उसी कंस्ट्रक्शन है तो स्टेप बाय स्टेप बता रही है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ जी, पहले आपका ईंट पत्थर में कौन कौन सा मटेरियल, आपका सरिया डला, कैसे दीवार खड़ी हुई, कैसे लेंटर डला और कैसे पूरा घर बना। आप चाहो तो उल्टा भी समझ सकते हो, आफ्टर एंड डन तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एक बार आपको रिवर्स में भी ले आऊंगा, लेकिन अभी आप समझिए ये जो वाउचर है इनके बेसिस पे करना क्या, रिकॉर्डिंग करनी है। बड़े ध्यान से देखना है, जो वाउचर्स हैं उन्हें सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड किया जाता है, कैसे, जर्नल एंट्रीज पास करके, जैसे कि बैंक अकाउंट डेबिट टू सर्टेन एक्सपेंस, और कोई भी बैंक अकाउंट, कोई भी इनकम अकाउंट अगर आपका है तो इनकम आ रही है तो बैंक डेबिट टू इनकम सॉरी, और या फिर एक्सपेंस डेबिट टू बैंक। अब ये जर्नल एंट्रीज पास करके इनको प्रॉपर अकाउंट हेड यानी कि लेजर में डाले, ये बहुत बड़ी गलतियां होती है, मैं आपको बता रहा हूँ। कई जगह पे अकाउंटेंट सबसे बड़ी गलती करते हैं, गलत हेड में अकाउंटिंग करना। इसमें क्लासिफिकेशन होती है पर्सनल रियल नॉमिनल, ये बेसिक अकाउंट्स है। अगर बेसिक अकाउंट्स आपको आती है, बेसिक अकाउंट्स में आप क्लियर हो कि कौन सा अकाउंट पर्सनल है उसका नेचर क्या है, कौन सा अकाउंट रियल है उसका नेचर क्या है, और कौन सा अकाउंट नॉमिनल है और उसका नेचर क्या है, इन नेचर्स को अगर आपने पकड़ लिया तो रिकॉर्डिंग में गलती नहीं होगी। देखिए वाउचर ठीक होना चाहिए, वाउचर ठीक है तो एंट्री ठीक पास होगी, लेकिन एंट्री करते हुए इन तीनों अकाउंट टाइप्स में सही हेड में सही एंट्री डलेगी, ये तभी हो सकता है अगर आप बहुत ये बारीकी से क्लियर होना चाहिए। नहीं आपने स्कूल में नहीं ये ढंग से पढ़े लॉस, तो सर सीए बनने के बाद पढ़िए, अकाउंटेंट बनने के बाद पढ़िए, लेकिन इन तीन लेजर हेड्स पे अगर आपकी कमांड नहीं है ना, कहते हैं ना जो सबसे पुराना और सबसे बेसिक होता है, कोई भी चीज जब समस्या बड़ी हो जाती है तो क्या कहते हैं, गो बैक टू बेसिक्स।
आपके बेसिक्स क्लियर है ना, तो आप रिकॉर्डिंग में गलती नहीं करेंगे। अब मैं बात कर लेता हूँ टूल्स की, क्या क्या टूल्स आप यूज कर सकते हैं रिकॉर्डिंग के लिए। सर, मैनुअल रजिस्टर सबसे पुराना तरीका, यू कैन ऑलवेज यूज अ मैनुअल रजिस्टर, और रजिस्टर में आप जनरल रजिस्टर एक अलग प्रॉपरली, स्टेशनरी की दुकान पे जाओ तो आई थिंक एक जनरल रजिस्टर और एक लेजर रजिस्टर आपको बहुत आराम से मिलेगा। उनके जनरल फोलियो लेजर फोलियो के बेसिस पे बुक कीजिए लेजर हेड में, और फाइनली बैलेंस शीट के लिए या ट्रायल बैलेंस के लिए उसे भेज दीजिए आगे, या फिर आप एक्सेल शीट्स का यूज कर सकते हो। तीसरा एक इम्पोर्टेंट तरीका है कि आप अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हो, यानी कि क्या, अब अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर भिन्न प्रकार के सॉफ्टवेयर मार्केट में अवेलेबल है। टैली है, बिजी है, ये बेसिक है, तो बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत बड़ी सोसाइटी है, वो अपना एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर डेवलप भी करा सकती है। SAP यूज कर सकती है, मवाया यूज कर सकती है, ओरेकल से सॉफ्टवेयर आते हैं वो यूज कर सकते हो, बट यू कैन यूज सॉफ्टवेयर इन केस यू आर अ बिग ऑर्गेनाइजेशन। बी जो कि लास्ट है, ये एक मॉडर्न तरीका नहीं है, मतलब पहले से चला आ रहा है, बट ऑब्वियसली इतना पॉपुलर क्यों नहीं है, देयर इज अ क्वेश्चन, दिस इज क्वेश्चनेबल, एंड व्हाई इज इट इक्वली पॉपुलर जस्ट लाइक बाकी के तरीके पॉपुलर है, बिकॉज आउटसोर्सिंग है ना, आपको कम दाम एक्सपर्ट सुपरविजन मिलती है। देखिए, एंट्री करने का तरीका और एंट्रीज को संभालने का तरीका तो वही रहेगा जो बेसिक मेन होता है सुपरविजन, ये बायलॉज फॉलो हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, यानी कि इंटरनल ऑडिट एक तरह का अगर करा जाए, ये वाउचर सही से बुक हो रहे हैं नहीं हो रहे, भाई एक बार एंट्री रेगुलर है तो वो तो कोई भी अकाउंटेंट कर सकता है, तो इसीलिए आप उसमें एक बहुत हाई फाई अकाउंटेंट आपको नहीं चाहिए। बट क्या आपने कभी सोचा है कि जो आउटसोर्सिंग आप कर देते हैं अकाउंटिंग की, तो आपको एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जैसा एक सुपरविजन, या फिर हो सकता है आपको एक बड़े अच्छे अकाउंटेंट का सुपरविजन मिलता है, और उसके अंडर जो अकाउंटेंट्स होते हैं वो रेगुलर एंट्रीज में गलती करते हैं। तो आप ध्यान से समझिए, अगर आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हायर करने जाएंगे मार्केट में, मेरे ख्याल से 50,000, 1 लाख, 2 लाख कुछ भी आपको महीने का बजट उठाना पड़ सकता है। एक नॉर्मल अकाउंटेंट भले ही आपको 20 से 25 हजार में मिलेगा, बट वो क्वालिटी नहीं दे पाएगा। इनके बीच का एक प्राइस अगर तय हो जाए 35 से 40 हजार रुपए का, तो आपकी अकाउंट्स में जो पॉलिशिंग का काम जो CA ने एक्चुअल में करना है वो आपको मिल जाता है, बट जो उसके बीच का काम है, यानी कि जो उसके अंदर आप कहेंगे कि वो जिस क्वालिटी से आपको अभी मिल रहा है उससे बेहतर ही मिल जाता है। तो आउटसोर्स एक बहुत अच्छा टूल है, इसके बारे में हर सोसाइटी को एक बार विचार जरूर करना चाहिए, एक एक्सपर्ट सुपरविजन मिलेगी, प्लस पुरानी बात है कि एक्सपर्ट का काम एक्सपर्ट पे छोड़ दीजिए, अगर एक अकाउंटिंग एक्सपर्ट नहीं है हमारी कमेटी में, ऑलवेज गो फॉर एन आउटसोर्स। मूविंग ऑन, अब ये इंपॉर्टेंट है, देखिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम सबको पता है कि कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में एक इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट बनेगा, उसके बाद एक बैलेंस शीट, और हाँ अगर रिक्वायर्ड है तो कैश फ्लो स्टेटमेंट भी हम दे सकते हैं। ये 45 डेज के अंदर या फिर कोई एक्सटेंडेड टाइम के अंदर रजिस्ट्रार किया है वो एनुअल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट उसे दे देने हैं, जिस एक तो रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट होता है जिसे रिसीट्स एंड डिसबर्समेंट्स कहते हैं, एक प्रॉफिट इनकम एंड एक्सपेंस वर्ड यूज किया था, उसके साथ एक बैलेंस शीट एट द क्लोज ऑफ द ईयर, फॉर द ईयर और बैलेंस शीट एट द क्लोज ऑफ द ईयर। अब इसके साथ जो मेन लॉज हैं, बायलॉज जिसको कहें, जो मेन क्रिटिकल चीजें हैं, तो वो क्रिटिकल चीजें हमें ढंग से स्टडी करनी है एज एन अकाउंटेंट, हमें पता होना चाहिए कि क्या रूल्स फॉलो करने हैं। कुछ क्वेश्चंस चैट पे आ रहे हैं, मैं लास्ट में क्वेश्चंस जरूर लूंगा, आप क्वेश्चंस आने दीजिए, प्लीज डोंट थिंक आई एम इग्नोरिंग द क्वेश्चंस। ओके गाइस, आ रहा हूँ क्वेश्चंस पे अभी आपके पास। मॉडरेटर जी से मेरी एक रिक्वेस्ट है, प्लीज क्वेश्चंस को नोटेड रखिए, मैं लास्ट में क्वेश्चंस ही लेने वाला हूँ। तो अभी समझ लेते हैं ये स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स है ना, आपका आपके पास स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स आपने बना लिए, सर लेफ्ट से राइट को मैच करना दैट इज बेसिक कंप्यूटर ऑपरेशंस। अगर आप सिर्फ लेफ्ट राइट को मैच करा के बैलेंस शीट बना देते हैं, उसकी उसको प्रेजेंट कैसे करना है, उसको लाना कैसे है सामने, सबको दिखाना क्या है, कब वो कौन सी डेट तक आपको प्रेजेंट करनी है। देखिए ये अगला रूल कुछ इसी तरह का है कि दी स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट शैल बी ओपन टू इंस्पेक्शन बाय एनी मेंबर, वर्ड है मेंबर, कोई बाहर का नहीं, सिर्फ मेंबर्स के लिए, कब, ड्यूरिंग द ऑफिस आवर्स, कहां पे, एट द ऑफिस ऑफ द सोसाइटी, एंड कॉपी thereof shall be submitted within 15 days from the date of preparation to the auditor appointed by registrar for the audit of that society. So registrar mein auditor appoint kiya hai na agar, to 15 days ke andar preparation ki ek date hogi, jo sign karenge
अब 15 दिन का टाइम दिया, इंस्पेक्शन करेंगे उसके मेंबर्स, और 15 दिन के अंदर अंदर वो दे दी जाएगी रजिस्ट्रार के अपॉइंटेड ऑडिटर। समझिए बात, अब एज एन अकाउंटेंट आप यहाँ क्या गलती कर सकते हो? देखिए डिपेंड करता है आप कितनी बड़ी सोसाइटी की बात कर रहे हो। बहुत बड़ी सोसाइटी की बात करो तो वहां पर सुपरविजन इतना हाई फाई होता है कि आप सुपरविजन से ही आपका काम चल जाएगा, आपको जरूरत नहीं पड़ेगी हर लॉ को समझने की। बट अगर वो सुपरवाइजर आप ही हो तो सर एक चीज समझिए कि जैसे ही स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट प्रिपेयर होते हैं वो कहाँ पे रखने हैं आपको? ऑफिस पे रखने, जो हेड ऑफिस है सोसाइटी का रजिस्टर्ड ऑफिस है वहां पे ऑफिस आवर्स के अंदर ही होने चाहिए और मेंबर कोई भी उसे इंस्पेक्ट कर सके। बट क्या इतना ही बहुत है या इससे बाहर रखना मना है? नहीं, दिस इज व्हाट यू हैव टू डू। अगर कोई मेंबर है उससे आपकी अंडरस्टैंडिंग है, बाकी मेंबर्स को इस बात प्रॉब्लम नहीं है, आपकी सोसाइटी में कोई डिस्प्यूट्स नहीं है, ठीक है, कोई ऐसा मेंबर है जो 7 बजे या 7:30 बजे आना चाह रहा है और ऑफिस आवर्स लगभग 6 बजे खत्म हो जाते हैं, तो आप ये बताइए कि बस ये रूल्स ये पत्थर की लकीर है और इससे बाहर चले तो फिर ऐसा नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ गाइडलाइंस हैं। अगर सब मेंबर्स अग्री करते हैं यू आर अलाउड टू बी अ लिटिल फ्लेक्सिबल विद देम, बट इतना तो मिनिमम करना ही है। अब 15 डेज लिखा है विद इन वर्ल्ड है ना, ऐसा तो नहीं है कि आप को 5 दिन में नहीं दे सकते ऑडिटर को, आप चाहे अगले दिन दे दो, किसी ने मना नहीं किया। दीज आर दी क्रूशियल गाइडलाइंस, ये बेयर मिनिमम आपको करना है, इससे बेहतर कुछ कर सके तो वाह भाई चलिए, हाँ लेकिन इससे कम करें तो हम ना। चलिए आगे बढ़ते, ओके ठीक है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में समझने के बाद अब हमें समझना है एनुअल जनरल मीटिंग कैसे की जाती है, बिकॉज ये भी कहीं ना कहीं एक, मैं ये नहीं कहता अकाउंटिंग फंक्शन है, बट ये मेंबर्स की जिम्मेदारी होती है। एक चीज और मैं बता देता हूँ, एक बड़ा कॉमन प्रैक्टिस है, इस प्रैक्टिस के मैं सख्त खिलाफ हूँ, एज अ प्रोफेशनल भी मैं उस प्रैक्टिस को नहीं प्रमोट करता हूँ। होती है मेरे आसपास भी, पता भी चल जाता है, लेकिन करते क्या है, हम ट्रायल बैलेंस तक बनाते हैं और वो बुक्स उठा के ऑडिटर को पकड़ा देते हैं, बैलेंस शीट वगैरह ऑडिटर ही बना के दे देता है, एडजस्टमेंट्स वगैरह भी होती है उसके बाद थोड़ा बहुत। बट सर एक बात मैं आपको अगर सही से समझाना चाहूं, मैम सर जो भी आप मेरे सामने बैठे हैं, इससे आपकी अकाउंटिंग की क्वालिटी दिन प्रतिदिन डिग्रेड हो रही है। और वापस जाइए और दिमाग लगाइए, सोचिए अपने दिमाग में वो पहली स्लाइड कि आपके डिसीजन इन्फॉर्म नहीं है और आपकी पास्ट की जो आप हेल्थ चेक कर रहे हैं वो भी गलत है, क्योंकि आपका जो डेटा है वो ऑथेंटिक नहीं, जो चेक करने वाले ने ही बनाया है तो उसमें गलती होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ये मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उन्हीं को ये प्रिपेयर करने हैं और ऑडिटर को सिर्फ ऑडिट करने का काम देना चाहिए, कायदे से ये होना चाहिए। बाकी जो लेड डाउन प्रैक्टिस के बाहर की प्रैक्टिस है उसके बारे में मैंने आपको बता दिया जो होता है नेचुरली मार्केट में, बट यस ये जिम्मेदारी मैनेजमेंट की होती है। तो बात कर लेते हैं कि बैलेंस शीट इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू बी लेड बिफोर द एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ अ सोसाइटी बाय द कमिटी शैल ऑर्डिनरली बी इन फॉर्म एन। फॉर्म एन एक ऑर्डिनरी फॉर्म होता है, आप गूगल करेंगे आपको फॉर्म एन बहुत आराम से मिल जाएगा। प्रोवाइडेड दैट इट शैल बी कॉम्पिटेंट फॉर द रजिस्ट्रार टू परमिट अ सोसाइटी और क्लास ऑफ सोसाइटीज टू अडॉप्ट सच अदर फॉर्म एज ही मे डीम फिट। अब कोई सोसाइटी या कुछ क्लास ऐसी तय कर दी कि नहीं ये थोड़ा सा प्रेजेंटेशन डिफरेंस करने से प्रेजेंटेशन बेटर आ रही है, ये इंपॉर्टेंट है कि प्रेजेंटेशन इससे बेटर होनी चाहिए, यू आर एबल टू अंडरस्टैंड थिंग्स बेटर, तो आप यहाँ पे दूसरा फॉर्मेट यूज कर सकते हो, अदरवाइज दिस हैज टू बी इन फॉर्म एन। अब बात करिए इसमें क्या क्या होगा, कॉपी ऑफ द बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू बी प्रेजेंटेड इन द एजीएम अंडर सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 75। ऐसी एक रिपोर्ट ऑफ कमेटी होती है, जैसे आप देखिए डायरेक्टर्स रिपोर्ट होती है हमारी कंपनी में, ऐसे ही इनमें रिपोर्ट ऑफ कमेटी, रिपोर्ट ऑफ द कमेटी होती है, उसमें सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 75 में वो नोटिस बोर्ड पे लगनी है। कब लगनी है? एनुअल जनरल मीटिंग की डेट से 14 दिन पहले। ध्यान से समझ लीजिए सर, प्रभावी अकाउंटेंट्स और मेरे प्रभावी सीएफओस, कि ये 15 दिन पहले कम से कम, यानी कि 14 डेज पहले, 14 दिन पहले आपको ये एनुअल जनरल मीटिंग के लिए नोटिस बोर्ड पे, नोटिस बोर्ड कहाँ होता है जी, ऐसी कोई डेजिग्नेटेड जगह नहीं है, बट एक अजम्पशन है कि हर सोसाइटी में एक नोटिस बोर्ड लगाया जाता है, नहीं तो आप कहीं भी वॉल पे कहीं एक जगह पे 2-4 नोटिस लगाते हैं, वहीं आप इस नोटिस को लगाइए। बेसिकली रीडेबल होना चाहिए, विजिबल होना चाहिए कि सब उसे आते ही नोटिस करें और वो रीड कर सके जी।
रिलेटेड एक लास्ट लॉ है कि अगर इफ एजीएम ऑफ अ सोसाइटी इज नॉट कॉल्ड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 74 और इफ द चेयरमैन और मेजोरिटी ऑफ द कमेटी ऑफ द सोसाइटी फेल टू कॉल अ स्पेशल मीटिंग इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 76 यानी कि 75 की मीटिंग नहीं हो पाती है ना तो 76 में स्पेशल मीटिंग होती है द रजिस्ट्रार मे ऑथोराइज एनी पर्सन subordinate to him or any officer or employee of a federal society to call the annual general meeting or the special general meeting as the case may be. यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे या तो registrar उसका कोई employee जो उसके under यानी कोई person subordinate जो और registrar के office में लोग होते हैं या federal society का जो employee है वो AGM बुलाएगा या special meeting बुलाएगा जैसा भी केस वहां पे लग रहा है अगर 75 नहीं हो पाया तो वो एजीएम बुलाएगा 76 नहीं हो पा रहा है तो वो एसजीएम बुलाएगा स्पेशल जनरल मीटिंग एसजीएम को इनवाइट करेगा वहां पर और सच ऑफिसर और पर्सन शैल हैव ऑल द पावर्स एंड फंक्शंस द ऑफिसर ऑफ द सोसाइटी ऑथराइज्ड टू कन्वीन सच एनुअल और स्पेशल जनरल मीटिंग अंडर इट्स बायलॉज ये समझिए यहां पर सीधी सीधी बात है जो बायलॉज में पावर उस ऑथोराइज्ड पर्सन को दी गई है जो सोसाइटी का एक ऑफिसर है जो मीटिंग को कन्वीन करता है वही पावर्स वेस्ट करेगी उस ऑफिसर या पर्सन में जिसको पावर दिए वो मीटिंग कॉल करेगी बहुत ही सिंपल सी बात है वो पावर बेसिकली ट्रांसफर हो जाती है इसीलिए नॉन कंप्लायंस में भी वेरी रिस्की एंड